नमस्कार प्रिय दर्शकों, पिछले कई वीडियोस में आपने देखा कि शनि देव अब राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और कुछ राशि वाले जातकों को बहुत अद्भुत रूप से देखने को मिलेगा लाभ। किंतु पिछले 28 अप्रैल से लेकर अभी तक बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको सृष्टकारी लाभ की अवस्था जैसा बताया जा रहा था उस प्रकार की अनुभूति नहीं हो पाई है। तो जिन लोगों की कुंडली में शनि की प्लेसमेंट अच्छी है, शनि की दशा चल रही है, शनि एक अच्छे भाव में बने हुए हैं, उन्हें निश्चित रूप से श्रेष्ठ लाभ भी देखने को मिला। किंतु अब टूट चुकी है मंगल और शनि की युति, अब देखने को मिलेगा शनि देव का एक बड़ा धमाल। यही मैंने थंबनेल के अंदर भी लिखा है और इसकी अनुभूति अब आप निश्चित रूप से करते हुए पाए जाएंगे। कौन सी है वो राशियां जिन्हें शनि देव राशि परिवर्तन के पश्चात, साथ ही मंगल की युति से छूटने के पश्चात देने जा रहे हैं अद्भुत लाभ, यही जानकारी आज के कार्यक्रम में आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। कंडीशन को सिर्फ निवेदन स्वरूप में ये चेक करना है कि शनि का प्लेसमेंट आपकी कुंडली में अच्छा बना हुआ है तो मेरे द्वारा कहे गए एक एक शब्द की अनुभूति आप अवश्य रूप से करते हुए पाए जाएंगे। तो पहली राशि, जिस राशि के लिए शनि देव मंगल की युति से मुक्त होकर देने जा रहे हैं अपना पूर्ण रूप से आशीर्वाद, वह राशि होगी मित्रों मंगल देव की ही राशि मेष राशि। मेष राशि वाले जातकों के लिए मूल त्रिकोण राशि में प्रवेश करने के पश्चात आपके एकादश भाव में शनि देव का गोचर हुआ है, जिसे आपके लिए मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला राशि परिवर्तन कहा जाएगा। अद्भुत रूप से आप देखेंगे आय के स्रोतों में आपको वृद्धि का योग बनाएंगे, मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे, आपके व्यक्तित्व को न्याय स्वरूपी योग का स्थिति देखने को मिलेगी, आकस्मिक लाभ की स्थितियां शेयर मार्केट से किसी अन्यत्र प्रकार से आकस्मिक लाभ की स्थितियां बनाएंगे, विद्यार्थियों को विद्या क्षेत्र में सफलता का योग दिलाएंगे, अपनी बुद्धिमता चातुर्य मता के दम पर आप समाज में, परिवार में, कुटुंब में, आपके कर्म क्षेत्र में यशमान प्रतिष्ठा में वृद्धि दिलाते हुए पाए जाएंगे। इसी के साथ में सबसे विशेष अवस्था जो शनिदेव आपके लिए कृपा स्वरूप में बरसाने जा रहे हैं वह योग होगा मित्रों आपके जीवन में चल रहे ऑब्स्टेकल को रिमूव करना। जी हाँ, आज के समय में 99% लोगों की स्थिति के जीवन में कुछ ना कुछ रुकावटें व्यक्ति को उन्नति की तरफ आगे बढ़ने से रोक रही है। उसी स्थिति को यदि आप मेष राशि के जातक हैं, शनि देव की स्थिति अच्छी बनी हुई है, तो अब आप देखेंगे शनि महाराज आपकी लाइफ को बड़ा स्मूथ करते हुए पाए जाएंगे। मन की स्थितियों को प्रसन्न मुद्रा के अंदर आप खुद अनुभूति करते हुए देखेंगे। तो पहली राशि मेष राशि वाले जातकों को शनि देव से मुक्त होकर, माफ कीजिएगा, मंगल देव से मुक्त होकर शनि देव देने जा रहे हैं बताए गए ये सभी आशीर्वाद। दूसरी राशि, जिस राशि के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थिति में ससा महापुरुष राजयोग के चलते शनि देव मंगल से दूरी बनाकर खोलने जा रहे हैं कर्म क्षेत्र में कुबेर का खजाना, वह राशि होगी मित्रों वृष राशि। वृष राशि वाले जातकों के लिए शनि महाराज आपके भाग्य के स्वामी होते हैं, आपके कर्म के स्वामी होते हैं, 30 वर्ष पश्चात आपके कर्म भाव में आए हैं जो कि इनकी मूल त्रिकोण राशि कहलाती है, और अभी तक मंगल शनि की युति के कारण कहीं ना कहीं आपको परिपूर्णता से जो रिजल्ट आप डिजर्व करते हैं वो स्थिति की अनुभूति नहीं करा पाए हैं। किंतु अब मंगल देव दूर हो चुके हैं तो आप देखेंगे शनि महाराज का निश्चित रूप से कर्म क्षेत्र में मिलने जा रहा है आपको आशीर्वाद। व्यापार करते हैं, व्यापार में वृद्धि का योग अवश्य रूप से देखने को मिलेगा। जॉब कर रहे हैं, जॉब में प्रमोशन की स्थितियां, किसी प्रकार का स्ट्रेस बना हुआ है, बॉस कलीग लैगपुलिंग करते हुए पाए जा रहे हैं, प्रमोशन अटक रहा है, ट्रांसफर अटक रहा है, इन समस्त प्रकार के कर्म क्षेत्र संबंधित स्थितियों में जो उलझने बनी हुई थी वृष राशि वाले जातकों के लिए वो समस्त रूप की स्थितियां होने जा रही है समाप्त। कई लोगों का एक बहुत बड़ा सपना होता है कि मुझे व्यवसाय या जॉब विदेश में जाकर करने का मन है, ये मेरा सपना है, उस सपने की स्थिति को शनि महाराज वृष राशि वाले जातकों के लिए पूर्ण करने के अंदर अब बाध्य हो चुके हैं मंगल देव से दूरी बनाने के पश्चात।
अगर आप भी ये सपना रखते हैं तो निसंकोच अब आपको प्रयास करना चाहिए, निश्चित रूप से मिलेगी आपको सफलता। या फिर इंडिया में रहते हुए ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड कोई आयात निर्यात का ऐसा कार्य करना चाहते हैं जो विदेश से संबंध रखता हो, निश्चित रूप से आप इसकी प्लानिंग कीजिए, अद्भुत लाभ आपको देखने को मिलेंगे। भौतिक सुखों से संबंधित स्थितियों में दिलाने जा रहे हैं आपको मनोकामनाओं के साथ में विजय। भूमि, भवन, वाहन, गाड़ी, घोड़ा कुछ भी खरीदने की प्लानिंग कर रहे थे, नहीं खरीद पा रहे थे, तो वो स्थिति अब आपके कदमों में लाकर शनि महाराज अवश्य रूप से रखते हुए पाए जाएंगे। जनता के अंदर यशमान प्रतिष्ठा, कोई पेरेंटल प्रॉपर्टी से रिलेटेड विवादास्पद स्थितियां चल रही है, वो समाप्त होंगी। इसी के साथ में आप देखेंगे कि आपकी माता से संबंधों की स्थितियां बड़ी मधुर होने जा रही है। दैनिक रोजगार, जो डेली वेजेस, जो भी आपके कमाने का स्रोत है, इसमें वृद्धि करते हुए पाए जाएंगे। दाम्पत्य जीवन को मधुर संबंधों में परिवर्तित करेंगे। पार्टनरशिप में किसी प्रकार का विवाद चल रहा है या नई पार्टनरशिप में आप कार्य करना चाह रहे हैं, तो उसमें भी निश्चित रूप से शनि महाराज के आशीर्वाद से मिलने जा रही है आपको सफलता। तीसरी राशि, जिस राशि के लिए भाग्य के परिपूर्णता से खोलने जा रहे हैं द्वार, वह राशि होगी मित्रों मिथुन राशि। जी हाँ, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए शनि महाराज भाग्य के स्वामी होते हैं और 30 वर्ष पश्चात भाग्य की स्थिति में प्रवेश भी कर चुके हैं 28 अप्रैल को, किंतु प्रवेश के साथ साथ ही मंगल देव की युति बन गई है, जिसे किसी भी व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं माना जाता, किंतु अब शनि महाराज मुक्त हो चुके हैं, तो अब आपको अनुभूति करवाते हुए पाए जाएंगे कि भाग्य का साथ कहते किसको है। जहां आप हाथ डालेंगे वहां से सफलता का योग बनाएंगे। विदेश यात्रा के बारे में विचार कर रहे हैं तो विदेश यात्रा की स्थिति का योग बनाएंगे। पिता से संबंधों की स्थितियां मधुर बनेगी। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। शनि देव की तृतीय दृष्टि के चलते ये आपकी मनोकामनाएं भी पूर्ण करेंगे। ये आपके आय के स्रोतों में वृद्धि भी करेंगे। ये बड़े भाई बहनों का सहयोग भी दिलवाएंगे। व्यापारिक यात्राओं में आपको सफलता दिलाने का कार्य में बाध्यता बन चुकी है। आपके लिए किसी भी प्रकार के जो मेहनत की जा रही थी उसमें शत प्रतिशत रिजल्ट देने की स्थिति का योग बना चुके हैं। छोटे भाई बहनों का सहयोग आपको प्राप्त हो, इसमें आपको बड़े अच्छे योग बनते हुए पाए जाएंगे। इसी के साथ में आप देखेंगे जॉब में प्रमोशन की स्थिति, कंपटीशन की जो तैयारी कर रहे हैं उन्हें सफलता दिलाने की स्थिति, कोई स्वास्थ्य रूपी योग का यदि आप सामना कर रहे हैं उससे मुक्ति का योग दिलाएंगे, और साथ में ही कर्ज इत्यादि की अवस्था में आप लिप्त बने हुए हैं उनसे भी दिलाने जा रहे हैं आपको छुटकारा। अद्भुत ये योग है, अब इसकी अनुभूति आप कीजिएगा। निवेदन सिर्फ एक है, शनि महाराज की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छे भाव में होनी चाहिए। चौथी राशि, जिस राशि के लिए शनि महाराज की राशि परिवर्तन अद्भुत लाभ की स्थिति की अनुभूति कराने जा रहा है, वह राशि होगी मित्रों तुला राशि। जी हाँ, तुला राशि वाले जातकों के लिए भी शनि महाराज आपके भौतिक सुख, एक केंद्र और एक त्रिकोण पंचम भाव के स्वामी होते हैं। पंचम में ही 28 अप्रैल को प्रवेश भी कर चुके हैं, किंतु मंगल युति लगाकर साथ में बैठे थे और अब इनसे मुक्त होने के पश्चात आप देखेंगे आकस्मिक लाभ की स्थितियां बहुत अच्छे स्वरूप में आपके लिए निर्मित करने जा रहे हैं। किसी भी प्रकार का ऐसा आकस्मिक लाभ जो आपने भी ना सोचा हो, इस अवस्था की अनुभूति आपको अवश्य कराएंगे। विद्यार्थियों के लिए ज्ञान चक्षु खोलते हुए पाए जाएंगे, जो कि हर एक विद्यार्थी का सपना होता है, उसमें सफलता प्रदान करते हुए पाए जाएंगे। बुद्धिमता, चातुर्यमता और एक्टिवनेस की एनर्जी एक अलग सी आपको देखने को मिलेगी। इसी के साथ में प्रेम संबंधों में आपको मधुर संबंधों की स्थिति के योग देखने को मिलेंगे। जीवन में चल रहे ऑब्स्टेकल को रिमूव करेंगे। दाम्पत्य जीवन की स्थिति में मधुर संबंध देखने को मिलेंगे। आपकी अर्निंग एक से अधिक स्वरूप में किसी भी प्रकार से करवाने का एक अवसर आपको अवश्य रूप से प्रदान होता हुआ दिखाई देगा। उदाहरणार्थ अगर आप जॉब कर रहे हैं तो कोई साइड में अगर आपने बिजनेस चालू किया, ऐसी अपॉर्चुनिटीज आपको देंगे और उसे आपने अगर बना लिया तो निश्चित रूप से आय के स्रोत भी आपके लिए अवश्य रूप से बनते हुए पाए जाएंगे। साथ ही आप देखेंगे धन से संबंधित स्थितियां जो भी आपके जीवन में रुकावट प्रदर्शित कर रही है, इनसे मुक्ति का योग प्राप्त होगा और आपके कुटुंब परिवार में यशमान प्रतिष्ठा में आपको अवश्य रूप से दिलाने जा रहे हैं वृद्धि। अगली राशि, जिस राशि के लिए शनि महाराज मंगल देव से मुक्त होकर देने जा रहे हैं भौतिक सुखों की सौगात, वह राशि होगी मित्रों वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए शनि महाराज सम ग्रह होते हैं, किंतु एक केंद्र के स्वामी हैं और एक सूत्र है पाराशर ऋषि का,
कि शुभ न दे शुभ केंद्र पति, शुभ दे क्रूर विशेष। क्रूर ग्रह केंद्र का स्वामी होकर केंद्र में गोचर करे तो बहुत अच्छे लाभ देता है। इस स्थिति के चलते अब आप देखेंगे भौतिक सुखों में वृद्धि का योग बनेगा। किसी भी प्रकार का कर्ज इत्यादि की स्थिति बनी हुई है वो समाप्त होगी। कंपटीशन में विजेता की स्थिति बनेगी। पेरेंटल प्रॉपर्टी से रिलेटेड यदि कोई विवादास्पद स्थिति बनी हुई है वो समाप्त होगी। यदि आप वृश्चिक राशि के एक जातक हैं और कर्म से संबंधित किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ रही है तो वो समाप्त करते हुए, उदाहरणार्थ कई लोगों के पास जॉब नहीं है तो उनको नई जॉब के अवसर प्राप्त होंगे। जिन लोगों की जॉब है डिजर्व करते हैं, प्रमोशन नहीं हो पा रहा है तो वो पूर्ण हो जाएगा। व्यापार में किसी प्रकार का लॉस चल रहा है, पूर्ण मेहनत कर रहे हैं फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, तो उन स्थितियों में आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। और आपके व्यक्तित्व, आपके आचार विचार व्यवहार स्वभाव, इन सब स्थितियों के अंदर एक नया चेंज लाकर आपके डिसीजन को इतना सुदृढ़ बना देंगे जो कि ना सिर्फ आपको, आपके परिवार को भी उन्नति के मार्ग पर लेकर चला जाए। अद्भुत ये योग वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए भी निर्मित होने जा रहा है। अगली राशि जिस राशि के लिए खोलने जा रहे हैं शनि महाराज मंगल देव से मुक्त होकर धन के द्वार, वह राशि होगी मित्रों मकर राशि। जी हाँ, मकर राशि वाले जातकों के लिए लग्न के ही स्वामी होते हैं शनि महाराज। धन भाव में प्रवेश किए हैं, अद्भुत ये योग माना जाता है। किंतु इस अवस्था में मंगल के साथ युति लगकर कहीं ना कहीं शनि महाराज आपको परिपूर्णता से लाभ नहीं दे पा रहे थे। अब ये मंगल से मुक्त हो गए हैं तो धन से संबंधित स्थितियों में आपको पुष्ट करेंगे। कुटुंब परिवार में यशमान प्रतिष्ठा में आपको वृद्धि कारक स्थिति का योग बना कर देंगे। आपकी वाणी को न्यायमूर्ति स्थिति का स्वरूप देने जा रहे हैं। भौतिक सुखों में वृद्धि, जीवन में चल रहे ऑब्स्टेकल मानसिक तनाव टेंशन डिप्रेशन को रिमूव करके मन करने जा रहे हैं आपका प्रसन्न। इसी के साथ किसी भी प्रकार की गूढ़ विद्या से संबंधित हायर एजुकेशन से रिलेटेड आप कोई कार्य कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, इसमें भी मिलने जा रही है आपको सफलता। साथ ही आप देखेंगे कि आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भी शनि महाराज यहां से बैठकर हो चुके हैं बाध्य। और अंतिम राशि जिस राशि के लिए ससा महापुरुष का राजयोग का अब मिलने जा रहा है आपको परिपूर्णता से आशीर्वाद, वह राशि होगी मित्रों शनि महाराज की ही स्वयं की राशि कुंभ राशि। मूल त्रिकोण राशि में लग्न में आकर शनि महाराज की स्थिति आपके लिए निर्मित हुई है। अगर प्लेसमेंट आपकी अच्छी बनी हुई है तो न्याय मूर्ति स्थिति आपको अब अनुभूति कराएंगे कि किस प्रकार से देखी जाती है। मेहनत के अकॉर्डिंग जहां हाथ डालेंगे वहां से सफलता का योग, जहां सूखे में भी हाथ डाल दिया तो कुछ ना कुछ गीला अवश्य निकाल लाएंगे। दैनिक रोजगार में वृद्धि की स्थिति, पार्टनरशिप के अंदर आपको सफलता का योग बनकर आएगा। कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में प्रवेश करे जो आपको एक दो नहीं 5-7-10 कदम ऊपर की तरफ ले जाए। इसी के साथ में कर्म क्षेत्र में चाहे जो कर्म कर रहे हो इस समय आपको सफलता का योग अवश्य रूप से देखने को मिलेगा। व्यवसाय कर रहे हैं व्यवसाय में वृद्धि, जॉब कर रहे हैं जॉब में वृद्धि, प्रमोशन की स्थिति, हर प्रकार से कर्म क्षेत्र से संबंधित धन की स्थितियों में वृद्धि के अवसर शनि महाराज आपको निरंतर देते रहेंगे। तो मित्रों ये है वो महाभाग्यशाली राशियां जिन राशि वाले जातकों के लिए शनि महाराज 28 अप्रैल को राशि परिवर्तन करने के पश्चात भी कहीं ना कहीं नहीं दे पा रहे थे श्रेष्ठ लाभ, अब शनि देव की स्थिति मंगल से दूरी के पश्चात देने जा रही है आपको पूर्ण रूप से आशीर्वाद। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए जय शनि देव।